हेलो माइटी, हम पढ़ाएंगे इसमें ऑटो साइकिल और एक्चुअली हमारे सिलेबस में है पावर साइकिल। पावर साइकिल के अंदर आता है गैस पावर साइकिल और दूसरा आता है वेपर पावर साइकिल। और गैस पावर साइकिल में हमारे सिलेबस में जो है वो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। और वेपर पावर साइकिल में जो पढ़ना है हमें वह कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का ना एक और नाम है पेट्रोल इंजन, क्योंकि इस ऑटो साइकिल में जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो पेट्रोल होता है। और इसका एक और नाम है आईसी स्पार्क इग्निशन इंजन। आईसी मतलब इंटरनल कंबशन, स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब इंटरनल सिलेंडर के अंदर में कंबशन होता है, आग लगता है, एक्सटर्नली नहीं होता, इसलिए इंटरनल कंबशन। और स्पार्क मतलब स्पार्क प्लग होता है, उससे स्पार्क होने के बाद आग लगता है, इसलिए स्पार्क। इंटरनल कंबशन, स्पार्क इग्निशन मतलब आग लगना इंजन। ठीक है, ये तीन अलग अलग नाम से बोलते हैं इसको, इस ऑटो साइकिल को। अब ऑटो साइकिल में होता है ना कि एक सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन होता है, उसमें एक स्पार्क प्लग फिट होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग बाइक वाइक में जो होता है प्लग, उसी को स्पार्क प्लग बोलते हैं, या फिर हम लोग रियल लाइफ में उसको प्लग बोलते हैं। प्लग क्या करता है, स्पार्क देता है। और होल होता है, होल में ढक्कन होता है, ढक्कन को बोलते हैं वाल्व। यहाँ से छेद है, किसके लिए, छेद है ताकि इससे हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आए, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं चार्ज। यहाँ से हम लोग चार्ज इंटर करवाते हैं, चार्ज मतलब पेट्रोल और हवा का मिक्सचर। ठीक है, अच्छा से मिक्स किया हुआ आता है। और इधर का छेद होता है, जब गैस पूरा जल जाएगा, गैस का काम ख़त्म हो जाएगा जलने के बाद, तो उसको बाहर फेंकना होता है। तो ये इधर से बाहर फेंकते हैं, इस छेद से ढक्कन खुलता है, ढक्कन वाल्व खुलता है, इधर से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाता है। अब ये पिस्टन, पिस्टन जो होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, तो पिस्टन मूव करने वजह से ये रॉड से कनेक्टेड होता है, और ये रॉड जो है ना वो क्रैंक से कनेक्टेड होता है। क्रैंक एक एक्सिस पे रोटेट करता है गोल गोल, ऐसे सर्कुलरली। तो अगर क्रैंक ऊपर, पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो ये रॉड भी ऊपर नीचे होगा, और ये रॉड ऊपर नीचे होगा तो इसका रोटेशन होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ये जो पार्ट है पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा ये पार्ट, इसका ये जो एंड है, और ये रोटेट करेगा। और ये रोटेट करेगा तो हमें इसे हम लोग व्हील में लगा देते हैं, चक्का में बाइक का, तो उससे बाइक चक्का रोटेट करता है और बाइक आगे बढ़ता है, और हम कह सकते हैं हमें पावर मिलता है। मतलब पिस्टन जब नीचे आता है तो ये इसको रोटेशन मिलता है और हमें पावर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें और दो चीज़ है, वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है जहाँ पिस्टन मूव करता है ना, जितना से जितना दूर तक, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। और जितना खाली रहता है ना, जहाँ पिस्टन नहीं मूव करता है इस सिलेंडर के अंदर, यहाँ पे गैस को हम लोग भरते हैं, चार्ज को, फ्यूल को रखते हैं, फिर एक गैप देते हैं ताकि हम लोग स्पार्क प्लग को लगा सके। ठीक है, गैप सेफ्टी लेवल के लिए जो भी होता है, एक क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है, उसका नाम होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। और जहाँ पिस्टन मूव करता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक एक बार मूव करेगा तो उसको बोलते हैं एक स्ट्रोक, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो दूसरा स्ट्रोक, फिर ऊपर जाएगा तो तीसरा स्ट्रोक, और फिर नीचे आएगा तो चौथा स्ट्रोक। तो यहाँ पे चार स्ट्रोक होता है इस इंजन में। ठीक है, पेट्रोल इंजन मोटरसाइकिल में, तो इसको फोर स्ट्रोक इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर चार बार मूव करता है। ठीक है, अब इसका कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, ये जो पिस्टन है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, ये लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत अंदर तक नीचे चला गया या बहुत ऊपर चला गया, ये एक फिक्स लिमिट के बीच में मूव करता है। तो ऊपर वाला को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, डेड मतलब मरा हुआ या फिर स्टॉप, तो यहाँ जाके पिस्टन स्टॉप हो जाता है, इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में TDC।
और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर या फिर BDC। ऊपर वाले को एक और नाम से बोलते हैं इनर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर का शॉर्ट फॉर्म IDC, और नीचे वाले को बोलते हैं आउटर डेड सेंटर मतलब ODC। ठीक है, अब इसका PV डायग्राम में आते हैं हम लोग कि PV डायग्राम कैसे बनाए हम लोग, इसका कैसे वर्किंग करता है ये तो समझ में आ गया। इसके अंदर फ्यूल जाता है, फ्यूल इसे देखते हैं ये वर्किंग कैसे करता है, इस चीज़ को भी समझते हैं। उसके बाद हम लोग PV डायग्राम बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ से इनिशियली क्या होगा ना कि ये जो है ये यहाँ पे रहता है, जो पिस्टन है वो यहाँ पे होगा इनिशियली। ठीक है, अब पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो सुई में कैसे इंजेक्शन में होता है पिस्टन टाइप से, तो उसको खींचते हैं तो हवा अंदर आता है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे पिस्टन को नीचे खींचेंगे ना तो इसका हवा इधर आएगा। ठीक है, और कुछ और प्रेशर से भी होता है इसमें, बाहर लगा होता है मशीन, लेकिन जनरली हम देख लेते हैं कि पिस्टन को नीचे की ओर खींचे तो हवा को अंदर सक किया, अंदर घुसा। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रोक हुआ, चार स्ट्रोक है, चार स्ट्रोक हम लोग काउंट करेंगे, पहला स्ट्रोक हो गया ये। अब दूसरा स्ट्रोक में क्या करते हैं ना, इसको फिर से हम लोग को कंप्रेस करते हैं, यहाँ का अंदर जो घुस चुका है एयर प्लस फ्यूल में मिक्सचर वो अंदर घुस गया, उसको हम लोग पिस्टन को फिर से वापस अंदर दबाते हैं। पिस्टन को वापस अंदर दबाए हम तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। ये कौन सा स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक तो जब बाहर आया तो नंबर वन स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक जब इसको अंदर की ओर धकेले तो वो स्ट्रोक नंबर टू है। ठीक है, उस समय क्या होगा, धकेल के पिस्टन यहाँ जाके रुक गया, पिस्टन रुक गया ना तो स्पार्क होता है, स्पार्क होने की वजह से आग लगता है यहाँ पे पेट्रोल में जितना होता है, और आग लगने की वजह से ना यहाँ एकदम प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाता है। प्रेशर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई, प्रेशर हाई है मतलब पिस्टन को धकेलेगा, और पिस्टन धकेलेगा तो पिस्टन यहाँ से धकेला के नीचे आ जाएगा यहाँ तक, और पिस्टन धकेला के नीचे आएगा तो क्रैंक रॉड भी नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा तो ये वाला भी रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो हमें पावर मिलेगा। मतलब आग लगने के बाद जो पिस्टन मूव करता है उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, क्योंकि उसमें पावर मिल रहा है। ठीक है, कुछ वर्क मिल रहा है या फिर पावर मिल रहा है। ठीक है, तो तीन स्ट्रोक हो गया, पहला सक करने वाला, दूसरा कंप्रेस करने वाला, तीसरा जब पावर मिला हमें। अब चौथा स्ट्रोक क्या होता है ना, जब हवा इसके अंदर गैस जलने के बाद धुआं हो गया तो धुआं को बाहर निकालना है, तो उसे हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं। तो यहाँ से पिस्टन को ना ऊपर की ओर ले गए, यहाँ से पिस्टन ऊपर ले गए तो यहाँ गैस कॉम्प्रेस होगा, इसके अंदर जो गैस होगा पिस्टन को दबाएंगे अंदर तो कॉम्प्रेस होगा, कॉम्प्रेस क्या होगा बाहर की ओर चला जाएगा, ये ढक्कन खुलेगा और सारा गैस को हम लोग यहाँ से पिस्टन से दबा के बाहर निकाल देते हैं। तो ये होता है फोर्थ स्ट्रोक। तो ये टोटल चार स्ट्रोक है, कोई पूछे तो हम ये चार स्ट्रोक को हम बता सकते हैं। पहला स्ट्रोक क्या है, पहला स्ट्रोक सक करने वाला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक कंप्रेस करने वाला एयर एयर प्लस फ्यूल को, तीसरा स्ट्रोक जब आग लगने के बाद पावर मिलता है, और चौथा स्ट्रोक जब जो गैस बर्न्ड हो चुका है, धुआं बच गया अंदर स्मोक, उसको बाहर निकालने वाला। ये टोटल फोर स्ट्रोक है, और ऐसे वर्क करता है ये इंजन। ठीक है, अब इसका PV डायग्राम बनाते हैं। PV डायग्राम बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। PV डायग्राम में एक ही चीज़ है कि इधर P है इधर V है, क्या हो रहा है इनिशियली ना, पिस्टन एक्चुअली ऐसा होता है, PV डायग्राम तो ऐसे इसका वर्किंग है। नेक्स्ट इसमें हम इसका PV डायग्राम नहीं बताते, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे PV डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना, और उसके फर्दर वीडियो में हम बताएंगे कि इफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो 2 से 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।